प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा की तथा कोरोना के मद्देनजर बनाए गए हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। गोरखपुर एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन शामिल है। इसके अलावा हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जाए और कोरोना जैसी घातक बीमारी पर प्रभावी लगाम लगाई जाए। प्रस्तावित कर दिया गया है और आज ही रात को माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा मैं गाइडलाइंस के बारे में ब्रीफ रखना चाहूंगा। भारत सरकार ने रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन निर्धारित करने का भारत सरकार नोटिफिकेशन से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन निर्धारित करते हैं। रेड जोन जो है निर्धारित करने की प्रक्रिया, ग्रीन जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया और ऑरेंज जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया आप सबको मालूम है। ग्रीन जोन वो जनपद है जिसमें कोई भी पुष्ट केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट केस नहीं आया। रेड जोन अथवा हॉटस्पॉट जनपद वो है जहां पर अभी भी पुष्ट केस चल रहे हैं और ऑरेंज जोन वो है जो रेड जोन या ग्रीन जोन में नहीं है। भारत सरकार ने इन 3 जोन्स को स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार अधिसूचित कर रही है और सप्ताह सप्ताह का वो निर्धारण कर रही है। मैं नहीं जाना चाहूंगा लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आपका ग्रीन जोन है और एकदम से जो है अगर उसमें कोई केस नया आ जाता है तो ऐसे में अगले हफ्ते तक वेट करके फिर आपका जो है ग्रीन से फिर रेड जोन में आएगा तो ये प्रक्रिया जो है चेंज करेगी, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी। तो ये सभी लोगों को बहुत ध्यान देना इस बात के लिए पड़ेगा कि अगर आप ग्रीन जोन में है तो एकदम से कोई केस आने पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, तो ये व्यवस्था पब्लिक के लिए भी दिक्कत होगी, आपके लिए भी दिक्कत होगी, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। जो कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट की जो पॉलिसी है भारत सरकार की, वो पॉलिसी वही है जो पॉलिसी हम लोग ने शुरुआत में ही अपने प्रदेश में शुरू की है। माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करके आए हैं और जहाँ भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इमीडिएट हुई है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ अ केस, वहाँ पर निश्चय ही वहाँ पर कंट्रोल करने में और आगे मेहनत बचाने में फायदा मिला है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष रूप से भारत सरकार ने भी बल दिया और यहाँ से भी हम लोग बल लगातार दे रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में कॉन्टैक्ट जोन सीमा रिहायशी इलाका हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, नगर निगम वार्ड हो सकता है, जोन हो सकता है, थाना हो सकता है, कस्बा हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत पुलिस थाना आदि हो सकता है। अभी सीनियर ऑफिसर ने यह पाया है कि कई जगह हॉटस्पॉट बहुत छोटे क्षेत्र में जो है निर्धारित कर दिया है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट के एरिया के जस्ट बाहर भी केसेस निकले हैं और एक्चुअली पूरा हॉटस्पॉट आपने कैप्चर नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा गृह विभाग की ओर से कि आप अपने हॉटस्पॉट के एरिया को जो भी है उनको रिव्यू कर लें और उनके उनका जो बाउंड्री है पूरा एग्जैक्टली देख लें। ऐसा ना हो कि हॉटस्पॉट आपका बहुत ही छोटा हो जिसकी वजह से मल्टीपल हॉटस्पॉट बन रहे हैं, इसमें जबरदस्ती पुलिस भी जगह जगह आपकी यूज हो रही है और अनावश्यक रूप से जो है आपका और उसको सिस्टमाइज किया तो उसका फर्क पड़ने के लिए आपको जो है फायदा मिला। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वहाँ की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद चिकित्सकों का जो है पूरी दलों को जाना और एक एक घर में कहीं अगर कोई भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंस्पेक्शन के केसेस हैं, फ्लू के केसेस हैं और अभी एक सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई उसमें एक जगह अच्छी चीज पाई, यदि किसी मेडिकल दुकान पर आप सर्वे कर रहे हो कौन जो है कोल्ड और कफ के दवा ले गए, तो इस तरह की चीजें भी कुछ जगह पर अच्छा काम किया गया।